फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने HP प्रिंटर के ड्राइवर को डाउनलोड करें और साथ ही कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है। आज हम फ्रेंड आपको अपने प्रिंटर HP डिस्कजेट 5810 के ड्राइवर को डाउनलोड और साथ ही उसको इंस्टॉल करके दिखाने जा रहे हैं। फ्रेंड अगर यहाँ पे आपके पास HP का कोई और प्रिंटर है तो भी कोई बात नहीं फ्रेंड, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप इस वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड, उसके बाद आप यह सीख जाएंगे कि कैसे इसे किया जाता है, क्योंकि फ्रेंड HP के सारे प्रिंटर के ड्राइवर को डाउनलोड और उसको इंस्टॉल कराने का प्रोसेस लगभग सेम रहता है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे वेबसाइट लिखनी है, तो वेबसाइट है फ्रेंड hp.com। hp.com लिखने के बाद फ्रेंड आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही फ्रेंड आपने hp.com लिख के सर्च किया तो आपके सामने फ्रेंड HP की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है। नीचे आइएगा फ्रेंड तो नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, अबाउट अस, वेज टू बॉय, सपोर्ट, HP पार्टनर, स्टे कनेक्टेड, ये सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो सपोर्ट वाला सेक्शन है उसमें फ्रेंड आपको सबसे फर्स्ट पे दिख जाता है डाउनलोड ड्राइवर्स का लिंक। तो फ्रेंड आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है डाउनलोड ड्राइवर्स पे। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सेकंड आपको डाउनलोड करना है और थर्ड यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड चूंकि यहाँ पे हमें अपने प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड करना है फ्रेंड, इसलिए हम यहाँ पे प्रिंटर को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे जो प्रिंटर का लोगो बना हुआ है इस पे हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड आपके सामने एक नया पेज ओपन हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इंटर योर प्रोडक्ट नेम, आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप किसके ड्राइवर, कौन से प्रिंटर के ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड, आप यहाँ पे अपने प्रिंटर का नाम लिख दें। तो चूंकि फ्रेंड मेरे प्रिंटर का नाम है HP डिस्कजेट GT5810, तो हम यहाँ पे अपने प्रिंटर का नाम लिख देते हैं। फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि जैसे यहाँ पे हमने अपने प्रिंटर का नाम लिखा तो नीचे फ्रेंड सजेस्टेड में भी नीचे आ चुका है, एक है HP डिस्कजेट GT5810 और सेकंड है 5820। ऐसे ही फ्रेंड आपका कोई और प्रिंटर है तो आप यहाँ पे अपने उस प्रिंटर का नाम लिखें, उसके बाद फ्रेंड आपके भी प्रिंटर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे जो सजेस्टेड में आ रहा है 5810 हम इस पे क्लिक करते हैं, हमें सिंपली फ्रेंड इस पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही हमने वहां पे अपने प्रिंटर 5810 को सिलेक्ट किया फ्रेंड, उसके बाद अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन होके आ चुका है। तो फ्रेंड यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे फ्रेंड डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर चुका है। मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 32 बिट। अगर फ्रेंड आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं कर पाता है, आपका यहाँ पे गलत दिखाता है, तो फ्रेंड आप यहाँ से चूज अ डिफरेंट OS, मतलब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख जाता है सॉफ्टवेयर यूटिलिटी, ठीक है, तो फ्रेंड आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आपके सामने यहाँ पे एक डाउनलोड का लिंक दिख जाएगा। साथ ही फ्रेंड आप यहाँ पे इसके फाइल साइज को भी देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे मेरे इस प्रिंटर के ड्राइवर का साइज है 70.7 MB। साथ ही फ्रेंड आप यहाँ पे इसके वर्जन को भी देख सकते हैं, यहाँ पे है 36.1। तो फ्रेंड अब हमें सिंपली यहाँ पे डाउनलोड का जो लिंक दिख रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे मेरे प्रिंटर का ड्राइवर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस पे है, हम थोड़ा देर वेट कर लेंगे फ्रेंड इसके डाउनलोड होने तक। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया फ्रेंड, उसके बाद हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होके आ चुका है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू वांट टू रन दिस फाइल, तो फ्रेंड हमें यहाँ पे सिंपली रन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद फ्रेंड अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड कि जिस टाइम भी आप अपने ड्राइवर को डाउनलोड करें और साथ ही उसको इंस्टॉल कराएं फ्रेंड, तो आप अपने प्रिंटर का वायर अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखें। हमने फ्रेंड इसे यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, इसलिए फ्रेंड यहाँ पे कनेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड अब आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे बोला जा रहा है क्लिक दिस लिंक टू कनेक्ट अ न्यू प्रिंटर टू दिस कंप्यूटर यूजिंग अ USB केबल।
मतलब कि फ्रेंड यहाँ पे बोला जा रहा है एक यूएसबी केबल का उपयोग करके इस कंप्यूटर से एक नया प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। तो फ्रेंड आपको सिंपली यहाँ पे कनेक्ट अ न्यू प्रिंटर इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहाँ पे यूएसबी कनेक्शन इज प्रोग्रेस। आपको यहाँ पे वेट करने बोला जा रहा है तो आप थोड़ा देर वेट कर लें। उसके बाद फ्रेंड अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड कि आप इसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर इसे घर पे यूज करना चाहते हैं। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे इसको घर पे यूज करना है तो इसलिए फ्रेंड हम यहाँ पे इन अ होम पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपसे यहाँ पे प्लीज स्पेसिफाई करने बोला जा रहा है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे आप जिस भी वर्क के लिए इसको यूज करना चाहते हैं फ्रेंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, लेकिन फ्रेंड हम यहाँ पे इन द होम फॉर पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं तो फ्रेंड हम यहाँ पे पर्सनल यूज सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड आप इसे बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिजनेस पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि यहां पे आपका स्टेटस शो हो रहा है, पहले ये प्रिपेयर हुआ, सेकंड ये कनेक्ट हुआ और फाइनली फ्रेंड ये एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद फ्रेंड यहां पे आप नीचे देख भी पा रहे होंगे द सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड एंड योर प्रिंटर इज कनेक्टेड। तो फ्रेंड आपको यहां पे कंटिन्यू ऑनलाइन पे नहीं जाना है, आपको सिंपली फ्रेंड यहां पे इसको कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड आपको यहां पे यस स्किप पे क्लिक कर देना है। चलिए फ्रेंड अब आपको दिखा देते हैं फ्रेंड कि कहां पे ये इंस्टॉल हुआ है। तो उसके लिए फ्रेंड हमें यहां पे नीचे जो स्टार्ट का बटन है उस पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पे जाना है डिवाइस एंड प्रिंटर पे। डिवाइस एंड प्रिंटर पे जाने के बाद फ्रेंड आप यहाँ पे फाइनली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा प्रिंटर आ चुका है HP डेजेट 5810 सीरीज। तो फ्रेंड अब आप इस पे प्रिंट वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं फ्रेंड तो अब आप बेफिक्र होकर दे सकते हैं, ये फ्रेंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड आज की इस वीडियो के हेल्प से आप ये सीख गए फ्रेंड कि कैसे हम अपने किसी भी HP प्रिंटर के ड्राइवर को डाउनलोड करें और साथ ही उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो फ्रेंड उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।